देखिए, ये जो 37वां मेला जो चल रहा है, वो मेला की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि हम लोग इस बार 50 से भी ज़्यादा देशों का पार्टिसिपेशन आया है और करीब करीब 800 विदेशी आर्टिस्ट्स एंड आर्टिसंस आएंगे। तो और हमारे भारत का तो जो हमारी विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, जो कला की विविधता है, वो तो है ही है। तो तकरीबन हर स्टेट से, भारत के हर स्टेट से आपको स्टेट की कल्चर परफॉर्मेंसेज आर्टिस्ट की दिखेगी, तथा विश्व से कम 50 कंट्रीज़ का पार्टिसिपेशन है। इसके अलावा तकरीबन दिल्ली स्थित जो भी विदेशी दूतावास हैं वहाँ से भी लोग आते हैं। तो इन सालों में ये मेला एक इंटरनेशनल मेला और एक इंटरनेशनल कैटेगरी का मेला बन चुका है, जहाँ पर आप समझ लीजिए 1 मिलियन से भी ज़्यादा फुटफॉल्स होते हैं। देखिए, कल उद्घाटन होगा और उद्घाटन हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदया वो 3 बजे उद्घाटन करेंगे। मेला का जो हम जो इंटरनेशनल पार्ट जो थीम स्टेट कंट्री लेते हैं वो तो टंजानिया है, और जो स्टेट है जो कल्चरल हमारा स्टेट जो थीम स्टेट होता है वो गुजरात है, और साथ साथ हम नॉर्थ ईस्ट के अष्टलक्ष्मी हमारी कल्चरल पार्टनर है। आपको इंटरनेशनल आर्टिस्ट ज़्यादा दिखेंगे इस बार, उनकी कलाकृतियों को देखने का आपको मौका मिलेगा। देश के भी आपको विभिन्न, हमने कोशिश की है कि विभिन्न कलाकृति और कारीगर आके आपके सामने करें। आपके सामने ही होपफुली पॉटरी का बनते हुए आप देख पाएंगे, एक हस्तकरघा में कैसे काम होता है वो देख पाएंगे, एक पिटलूम लगवाया है हम लोग ने। तो जो कोई साड़ी को एक्चुअल कारीगर बनाता कैसे है वो आप इस मेला में देख पाएंगे। साथ साथ आपको विविधता जो हमारी सांस्कृतिक और कला की विविधता है, न सिर्फ हिंदुस्तान भारत की परंतु पूरे विश्व की, आपको देखने को एक ही जगह मिलेगा। हम लोग इनवाइट सबको भेजते हैं थ्रू MEA, जहां से किसी को पार्टिसिपेशन डिनाई नहीं किया गया। हम लोग सबको पार्टिसिपेशन भेजते हैं, किसी के पास पर्सनली नहीं जाते हैं, है कि नहीं? जो अपना इनविटेशन एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग मान लेते हैं। तो 50 कंट्रियों ने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और अपने लोग भेज रहे हैं, वो आ रहे हैं। टिकट हम लोगों ने पिछले सालों से बिल्कुल चेंज नहीं किया, वो 125 रुपये की टिकट है, हम लोगों ने चेंज नहीं किया। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 18 दिनों में करीब करीब 15 लाख के आसपास लोग आएंगे। इसका आइडिया मुझे अभी मेरे पास नहीं होगा, ये तो खैर परिवहन वाले बताएंगे, परंतु ये जो मीट हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया है कि एडिक्वेट नंबर ऑफ बसेस लगे, और अगर आवश्यकता पड़ी तो बढ़ाई जाएगी। नहीं, थोड़ी बसेस तो देखो चार्ज ही रहे। क्या ऑनलाइन की? तो हम लोगों ने इनकरेज कर रहे हैं ऑनलाइन टिकटिंग, तो ऑनलाइन टिकटिंग जैसे पिछले साल था वैसा रहेगा, परंतु साइट पर भी टिकट मिलेगा, क्योंकि अभी भी सब लोग देखिए, विदेश में अगर आप मूर्ति ले जाना चाहते हैं, एज लॉन्ग एज इट इज़ नॉट कवर्ड बाय द एंटिकिटीज एक्ट, आप ले जा सकते हैं। आपको यहाँ से बिल चाहिए होता है, अगर उन्होंने प्रॉपर बिल यहाँ से लिया है तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मूर्ति की पैकेजिंग तो उनको करनी पड़ेगी, अदरवाइज टूट जाएगी। बट ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई एंटिकिटीज़ यहाँ गलती से चली जाए, तो ऐसी कोई दुविधा हमारे नज़र में नहीं आई है, न कोई हमें कभी आया है कि हमें इस चीज़ को ले जाने में दिक्कत हो रही है। एंटिकिटीज़ आर नॉट अलाउड, एंटिकिटीज़ बियॉन्ड 100 ईयर्स कैनॉट बी टेकन आउट ऑफ द कंट्री विदाउट अ वैलिड लाइसेंस।